जेल भरो आंदोलन किया। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में प्रदेश महामंत्री पवन साय की मौजूदगी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सदस्य विजय बघेल के वक्तव्य को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। वहीं सांसद ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया बल्कि सबका मनोबल बढ़ाया है। सांसद ने कहा है कि जेल भरो आंदोलन सफल बनाया गया, सामने चुनाव है और इसको ध्यान में रखकर काम करना ही पड़ेगा। बैठक में सांसद ने कहा कि संगठन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, इसमें 100-150 की भीड़ में काम नहीं चलेगा। भाजपा के कई प्रकोष्ठ हैं जो कम से कम 10,000 की भीड़ होनी चाहिए। ये सुनकर सभी आवाक रह गए और इस पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने कहा कि बार बार संगठन के कार्य और कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना कार्यकर्ता और संगठन का अपमान है, हमें इससे बचना चाहिए। यदि कार्यकर्ताओं के सम्मान की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, उनके दम पर होती है, व्यक्तिवाद परिवारवाद से दूर है और उनका सम्मान होना चाहिए। हर परिस्थिति में हर कार्यकर्ता अपना समय साधन लगा करके और राष्ट्रीयता के नाते भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, उसका सम्मान बहुत जरूरी है, चाहे वह नेता हो चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। संगठन को रिचार्ज करने की बात हो रही है। आज जेल भरो आंदोलन से पहले एक बैठक हुई, बैठक में ऐसा वीडियो वायरल किया गया बीजेपी मीडिया संगठन के द्वारा कि सांसद महोदय शायद हतोत्साहित करने वाली बात कर रहे थे। वो हतोत्साहित करने वाली बात की सच्चाई क्या है, वो पूरा बात क्या है, सांसद विजय बघेल साहब हमारे साथ हैं, चर्चा करते हैं। क्या पूरा मामला कैसे हुआ? देखिए, मैंने किसी को कोई पीड़ादायक बात तो मैंने नहीं कही बैठक में, सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का इस निवेदन पूर्वक बात मैंने कही। चूंकि हम एक बड़े आंदोलन की ओर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है, एक सांसद होने के नाते और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसका स्वरूप कैसा हो और उससे पिछली जो बातें हैं उसकी समीक्षा करते हुए और 18 साल पहले जो 2003 में जिस तरह पार्टी पूरी ताकत के साथ योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जनता का विश्वास जीती, मैंने उसी विषय में अपनी बात को केंद्रित करते हुए मैंने वहाँ पे अपने उद्बोधन दिए। मैंने ये भी कहा कि हमारे पूर्व के जो संगठन मंत्री महामंत्री कौदान सिंह जी जब यहाँ थे, क्षेत्रीय महामंत्री थे वो, और उनके नेतृत्व में वाकई में भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंचाई तय की। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अपने संगठन का स्वरूप देख लीजिए कि बूथ से लेकर जिला तक जितने प्रकोष्ठ और मोर्चा हैं उसके पदाधिकारियों को गिन लीजिए, लगभग 2,000 से 3,000 के बीच में हमारी संख्या बनती है। हम उतने को इकट्ठा कर ले तो 3,000 हम एक दिन में खड़ा कर सकते हैं और वो एक एक की जिम्मेदारी और ले ले तो 6,000 की भीड़ होती है। ये मैंने उनकी बातों का उदाहरण देते हुए मैंने अपने साथियों से कही। समय हो गए छोटे से ब्रेक।